हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपी जे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ पे केपी जे स्टार अपडेट चैनल में। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पे एक और नई जॉब का जो नया नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। और आपको बता दूं, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी यहाँ पे लगना शुरू हो चुके हैं। इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 6000 प्लस यहाँ पे जो नई वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 10th एंड 12th वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आपका इस वीडियो में सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे निकाली गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए जो 10th एंड 12th वाले जो कैंडिडेट हैं मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो इसलिए आज की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे IBPS की यहाँ पे नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी, हर साल यहाँ पे नई वैकेंसीज इसकी यहाँ पे निकाली जाती है IBPS की। यहाँ पे आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म इसके यानी कि ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 2 अगस्त से शुरू है, ठीक है। 2 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट की बात करूँ यहाँ पे 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। पे एग्जाम फी लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/8/2022, ठीक है। 22 अगस्त यहाँ पे लास्ट जो पेमेंट की आपकी डेट रहेगी वो यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी 22 अगस्त इसकी। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की भी यहाँ पे 22 अगस्त रहेगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग यहाँ पे 7 अक्टूबर 2022, प्री एग्जाम डेट यहाँ पे 2 अक्टूबर 2022, मेंस एग्जाम डेट यहाँ पे 2 नवंबर 2022। एप्लीकेशन फी की बात करूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 850 रुपया यानी कि 850 रुपीज यहाँ पे रहेगी। एससी एसटी पीएचई के लिए यहाँ पे आपको बता दूँ 175 रुपीज आपकी फी यहाँ पे रहने वाली है। तो नीचे की तरफ आपको लेके चलूँ तो आपको देख सकते हैं, इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसीज है 6432 यहाँ पे निकाली गई है, यानी कि 6432 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। इसमें मैं आपको बता दूँ, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी बताई गई है। यूआर के लिए यानी कि जनरल के लिए 2596 जो वैकेंसी है वो यहां पे निकाली गई है, यानी कि 2596 वैकेंसी यूआर यानी कि जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए यहां पे आप देख सकते हैं 1741 वैकेंसी है, यानी कि 1741 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 616 वैकेंसी है। एससी के लिए यहाँ पे 996 वैकेंसी है। एसटी के लिए यहाँ पे 483 वैकेंसी है, यानी कि 483 यहाँ पे एसटी की वैकेंसी है। वही बात करूँ यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6432 यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूँ, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी किसी में भी बैचलर डिग्री हो तो वो यहाँ पे चल जाएगी। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे यहाँ पे बैंक के नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। पूरे बैंक के नाम, किस बैंक में आपकी कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे पूरा बताया गया है, इंडिया बायो जो कि बैंक यहाँ पे है, पूरा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल्स में आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। नया नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हो चुका है, जिनके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होगी वही इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बाहर से हैं किसी भी स्टेट से, तो आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जे ऑल इंडिया यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो फिलहाल जे थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह नई से नई वैकेंसीज के बारे में, नई से नई जॉब के बारे में, नई से नई भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।